ये सांडी थाने का कोयलाई गांव का रहने वाला है भादे श्याम। इसके ऊपर आरोप है 2007 में इसे भसीड़े खोदते हुए पकड़ा गया था। इसका बगल में ही खेत है सांडी पक्षी विहार, और 27, 29, 31 और 51 वन्य जीव अधिनियम की धारा लगाई गई, लेकिन 31 धारा इसके ऊपर नहीं लगती है। उसमें प्रतिबंधित कोई मांस या खाल या सब पाया जाए तब लगती है। 1 किलो भसीड़े खोदने में 12-13 साल से मुकदमा रन कर रहा है। 3500 रुपये के आसपास इसका जो है खर्चा इसमें आया है। बिल्कुल सिस्टम पर पूरे सवाल यह है कि अगर 40 रुपये के वो भसीड़े खोदता है तो 5 दिन जेल में उसे बंद रहना पड़ा, 5 दिन बाद उसकी 20-20 हज़ार रुपये की बेल हुई। बिल्कुल निर्दोष बंद है, जबकि 700 रुपये इस पर जुर्माना वहीं पर वसूल कर लिया गया था। उसके बाद भी चालानी न्यायालय भेज दी, न्यायालय से समन वारंट जाते रहे और सीधे इसे पुलिस 15 दिसंबर को उठा के लाई और 16 को जेल भेज दिया, 20 को इसकी बेल हो पाई। मेरे जेल के पास में कतई पास में जस्ट में लग रहा है, उसमें मैं काम कर रहा था अपने खेत में, वहाँ से मैंने 2-4 भसीड़े तोड़ लिए। उसके बाद आए पक्षी विहार वाले, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम पे जुर्माना होगा, हमको जुर्माना होगा, देखो जाएगा, 700 रुपये दे दिए उनको जुर्माना के। उसके बाद मुझे 2009 में पकड़ा था। उसके बाद 2018 में हमें 16 तारीख को पुलिस ने पकड़ लिया, सांडी पुलिस ने पकड़ लिया। बोला, मैंने बोला क्या मुझे केस है, उन्होंने बोला केस है तुमने भसीड़े धार झील में तोड़े हैं, हमने कहा हाँ तोड़े थे। वही केस हम पर आया, मैं 16 तारीख को भेज दिया जेल। जेल भेजने के बाद मैं 20 तारीख को छूटे। उसके बाद में अब आज 15 तारीख को मेरी भीड़ लगी है, जनवरी में तारीख लगी है। अच्छा, कितना आपको कष्ट उठाना पड़ा 1 किलो भसीड़े के लिए, और कितनी जमानत वमानत कैसे? और भैया कष्ट उठाने पड़े, 3000 रुपये भी पड़े मुझे खर्च हुए हैं। उसके बाद फिर तारीख लड़ेंगे, फिर मुकदमा चलेगा, मेरा निपटारा होना चाहिए।